वेलकम टू एनिमेलियन वर्ल्ड। दोस्तों आपने सीधे उड़ते हुए पक्षी तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पीछे की ओर उड़ता हुआ पक्षी देखा है? दोस्तों हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो कि सीधा तो उड़ता ही है, साथ ही साथ वो पीछे और साइड टू साइड भी उड़ सकता है, और इतना ही नहीं वो हवा में एक ही जगह पर रुका हुआ भी रह सकता है। दोस्तों इसके पंख बहुत तेजी से पूरी 108 डिग्री तक ऊपर नीचे मूव करते हैं, जिस वजह से यह हवा में एक ही जगह रुक पाता है, और इसके पंख अपना एंगल भी चेंज कर सकते हैं, जिससे इनके उड़ने की डायरेक्शन चेंज होती है और यह पक्षी आराम से हर दिशा में उड़ पाता है। दोस्तों उड़ते वक्त इसके पंखों से एक हमिंग साउंड निकलता है, इसीलिए इसका नाम हमिंग बर्ड या फिर हिंदी में कुंजन पक्षी रखा गया। दोस्तों हमिंग बर्ड दुनिया का स्मॉलेस्ट प्रवासी पक्षी, और यह एक जगह से दूसरी जगह अकेले माइग्रेट करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि यह पक्षी हर समय उड़ता रहता है और रुकते ही यह मर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह एक मिथ है। लेकिन एक पक्षी है जो कि 10 महीनों में सिर्फ 2 घंटों के लिए रुकता है, हमने उसके बारे में अलग से एक डिटेल वीडियो बना रखा है। तो आपने स्विफ्ट कार का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी स्विफ्ट नाम के एक पक्षी के बारे में सुना है? दोस्तों स्विफ्ट एक ऐसा पक्षी है जो लगभग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उड़ने में ही निकाल देते हैं। इनका खाना पीना यहाँ तक कि सोना भी हवा में ही होता है, और सोते वक्त इनका आधा ब्रेन उड़ने में मदद करता है और बाकी आधा ब्रेन सोता है। इसका नाम दुनिया की फास्टेस्ट बर्ड की लिस्ट में दर्ज है। माना जाता है कि यह लगातार उड़ते रहती है और 10 महीनों में सिर्फ 2 घंटों के लिए रुकती है, वो भी सिर्फ अंडे देने के लिए। दोस्तों एक स्विफ्ट 31 मीटर पर सेकेंड और 112 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड से उड़ सकती है, और एक साल में कॉमन स्विफ्ट कम से कम 2 लाख और अपनी पूरी लाइफ टाइम में लगभग 2 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि 5 बार चंद्रमा पर जाकर वापस आने के बराबर है। दोस्तों आपने दुनिया की सबसे तेज कार्स और बाइक्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे तेज जानवर की। दोस्तों इस धरती पर पूरे एनिमल किंगडम में फास्टेस्ट एनिमल है पेरेग्रीन फाल्कन। दोस्तों ये शिकारी पक्षी शिकार के लिए 390 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से उड़ सकता है। यह पक्षी दुनिया के हर देश में पाया जाता है सिवाय अंटार्कटिका के। अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी है तो उसमें एक कैरेक्टर का यह नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों यूएई का नेशनल बर्ड भी फाल्कन ही है। फाल्कन की नजरें इतनी तेज होती है कि यह उड़ते हुए भी 3 किलोमीटर दूर बैठे अपने शिकार को क्लियरली देख सकता है। लेकिन 20th सेंचुरी की मिड में फाल्कन यूनाइटेड स्टेट्स में एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में आ गया था, क्योंकि उस समय DDT पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ गया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे फाल्कन को मार दिया गया था, क्योंकि यह मिलिट्री के मैसेंजर कबूतरों का शिकार कर देता था। लेकिन फिर कई देशों में DDT के बैन होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ने लगी। इसका इस्तेमाल कुछ खेलों में भी होता था, जिसे फाल्कनरी कहते थे। दोस्तों आपने पक्षियों और इंसेक्ट्स को तो उड़ते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक उड़ने वाली मछली के बारे में सुना है? दोस्तों अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन में एक ऐसी मछली पाई जाती है जो कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के ऊपर उड़ सकती है। इसके पेक्टोरल फिन्स की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि यह पानी में तैरने के साथ साथ हवा में उड़ भी सकती है। दरअसल ये अपने शिकारी से बचने के लिए ऐसा करती है। 18 इंच की यह मछली टेक ऑफ के लिए पानी में 37 माइल्स पर आवर की स्पीड से तैरती है और फिर हवा में उड़ जाती है। दोस्तों एक बार में यह मछली 4 फीट की हाइट और 655 फीट की दूरी तक उड़ सकती है, और कई बार वेव्स और अपनी पूंछ की मदद से ग्लाइड करते हुए यह 1300 फीट तक की दूरी भी तय कर लेती है, जो कि लगभग 4 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है। दोस्तों अमेरिका के कैरिबियन रीजन में एक आइलैंड कंट्री बारबाडोस को द लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है। कमर्शियली जापान, चाइना और इंडिया में भी इसकी फिशिंग होती है। दोस्तों आपने चमगादड़ को तो देखा ही होगा, चलिए उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। एक चमगादड़ की उम्र 40 साल से भी ज्यादा हो सकती है, और अभी तक का सबसे लंबी उम्र वाला चमगादड़ 41 साल का पाया गया है। दोस्तों दुनिया में चमगादड़ की 1000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। उनमें से 3 प्रजातियां ऐसी है जो कि वैम्पायर बैट्स कहलाती है, और यह जिंदा रहने के लिए सिर्फ खून पर निर्भर है। दोस्तों बहुत सारे पौधे भी पॉलिनेशन के लिए चमगादड़ पर डिपेंड होते हैं, और थाईलैंड में दुनिया का स्मॉलेस्ट बैट पाया जाता है, जिसका नाम है बम्बलबी बैट। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक और शेयर कीजिए, और इंस्टा पर फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब एनिमेलियन वर्ल्ड।